यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। खबर पंचकुला से है, जहां पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में हुए भर्ती घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और हाथों में तख्तियां लेकर हरियाणा सरकार एवं बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कुछ रुपए एकत्रित कर बोर्ड के चेयरमैन को दान देने की भी घोषणा की, ताकि वो और उनके सदस्य भ्रष्टाचार न करें। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए आपके प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले 4 सालों में नौकरियों के नाम पर युवाओं से धोखा किया है और कहा कि जिस बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति ही एक धोखा हो, वहां नौकरियों में भ्रष्टाचार होना लाजमी सी बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में सीएम कार्यालय और सीएम आवास पर छापेमारी की जानी चाहिए, ताकि वहां से इस मामले में संबंधित तथ्य प्राप्त किए जा सके। नवीन जयहिंद ने कहा कि इस मामले में असली गुनाहगार भी काबू में आने चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता को पता चले कि उनसे झूठे वायदे कर सत्ता में आए लोग क्या हैं। हरियाणा में आपको पता नहीं कि हर जिले के ऊपर इस भर्तियों को लेके एक्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी एक्शन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, ज्ञापन दे रही है पूरे हरियाणा में। सबसे पहले आपको अगर जानकारी हो तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने आरटीआई लगा के ये पूरा मामला उजागर किया था कि जो बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन है वही फर्जी हैं। और हम ये मानते हैं मुख्यमंत्री सीधा इन्वॉल्व है इसमें, मुख्यमंत्री की सहमति के बिना इतना बड़ा स्कैम हो नहीं सकता। 20 लाख बेरोजगार नौजवानों ने हरियाणा ने फार्म भर रखा, उनके साथ धोखा किया इस सरकार ने। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इसको लेके आंदोलन करेगी और कर रही है। आज ह्यूमन चेन बना रहे हैं और जिसके पास जितने 5, 10, 20, 50, 100 रुपए हैं वो आज इनको रख के जाएंगे।